नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे और आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों में से ही एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि कॉस्फेट डीएम का यूज किस प्रकार से किया जाता है और किस लिए किया जाता है, तो वीडियो आज उसके ऊपर है। तो आज के हम लोगों की जो वीडियो है उसका उद्देश्य है कॉस्फेट जीएम क्रीम है उसका यूज किस तरह किया जाता है और किस चीज के लिए किया जाता है, ये बताना मेरा कार्य है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लस बेल आइकन को जरूर से जरूर ऑन करिएगा। इससे ये होगा जब भी आपकी वीडियो अपलोड होगी, मान लीजिए आपने किसी चीज का कोई भी आपने क्वेश्चन किया और उसके ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हैं और हम अगर वीडियो उसके ऊपर बना रहे हैं तो अगर आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन करेंगे और आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगी, इससे ये होगा कि आपकी जो मतलब कि आपका जो प्रश्न होगा उसका भी उत्तर आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन के द्वारा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय गवाए। तो ये है कॉस्फेट जीएम क्रीम। तो नॉर्मली इसका यूज होता है, ये एक एंटी फंगल क्रीम है। आप लोगों का अगर इचिंग फंगल वगैरह हो जाता है तो डॉक्टर आप लोगों को ये लिख देते हैं। तो दोस्तों, क्या इस क्रीम को लगाने से आपकी दांत खाज जड़ से खत्म हो जाती है? तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ और नहीं। अब आप सोच रहे होंगे ये दोनों जवाब कैसे हैं हाँ और नहीं। मान लीजिए आपका दांत खाज नया है, आपके दांत खाज हुए एक या दो दिन हुए, तीन दिन हुए बस, तो आप इस क्रीम को यूज कीजिए, एक दो महीने आराम से खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपका दांत खाज ज्यादा पुराना है या फिर ज्यादा जिद्दी है तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आप जब तक इस क्रीम को लगाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, जितने दिनों तक कि आप इस क्रीम को अपने जहां पे आपको खुजली इचिंग वगैरह हो रही है, दांत खाज है वहां पे अप्लाई करेंगे, उतने दिनों के लिए आपके लिए आराम रहेगा। जैसे आप इस क्रीम को बंद करेंगे हो सकता है कि आपके पास दोबारा हो जाए, और 90% केसेस में यही होता भी है कि जैसे आप लोग इस क्रीम का यूज करना बंद करते हैं तुरंत ही दो चार दिनों के बाद आपकी जो समस्या होती फिर से स्टार्ट हो जाती है, फिर से प्रारंभ हो जाती है। तो दोस्तों, इसकी एमआरपी की बात कर लें, ये एमआरपी बहुत ज्यादा महंगा नहीं आता है, मात्र 19 रुपए का क्रीम आता है और 20 ग्राम क्रीम होती है। आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार लिखी मतलब की दिख रही है। तो इस क्रीम को मैंने यूज किया अपने ये कस्टमर से मंगाया था, क्योंकि वो जो कस्टमर है इस क्रीम को अभी नहीं यूज कर रहा था, तो उसने मैंने पूछा था कि आपके पास जो आपने मेरे मेडिकल स्टोर से क्रीम ली है वो क्या आपके पास क्रीम पड़ी होंगी। तो देख सकते हैं आप, इस तरह से कुछ दिखती है और यहाँ पे इसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं कितने कितने परसेंटेज है, अगर ये सब आपको मैं बताने लगूंगा डिटेल से तो हो सकता है वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी और आपके लिए कोई यूजफुल नहीं रहेगी। तो दोस्तों, इस क्रीम का यूज मैंने आपको बताया एंटी फंगल मतलब इन्फेक्शन के लिए होता है अगर आपकी खुजली हो रही है, लेकिन असर कितना करती है? जब आपका मान ली एक दो दिन हुए हैं, ज्यादा पुरानी नहीं है तो इस पर असर करेगी, और अगर ज्यादा पुरानी है तो इसका यूज करना व्यर्थ ही है। मैं मना नहीं कर रहा, आप लोग चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कोई भी सुझाव हो प्लीज कमेंट कीजिएगा, अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, हो सकता है आपके कोई रिश्तेदार नातेदार को इस जानकारी की जो मैंने दी है इसकी जरूरत हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब लेके बाय, टेक केयर।